मारना चाहवा है कि तीखा तो चैलेंज है तेरा, तीखा है फिर मारने का थोड़ी है, तीखा चैलेंज है। राम राम दोस्तों, कैसे हो आप सब? सुबह सुबह उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होगी। तो सुबह डुगू आ गया आज अपने मामा के घर, कल ही आ गया था रात को, पर कल व्लॉग में ले पाई क्योंकि वो लेट आया था। अब ये बैठ के यहाँ पे टीवी देख रहा है और ये लेट के खाना खाता है, दो टीवी देख के और लेट हाथ मारा नहीं और ये नीचे गिरी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लेट जी पान। तो रिंकी दीदी का चैनल हमने हड़प लिया, ठीक है। तो क्या कहना है आपका रिंकी दीदी? ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और रिंकी दीदी अभी खाने की रेसिपी देख रहे हैं, बाल ठीक कर ले अपने। कैसे ये मीठू है, ये मीठू के ज्ञान है। कैसे हो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे। तो आज फिर मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि मेरे को बनाना है आज खाना, और खाने में मैं बनाऊंगी चिल्ला। तो तुम सोच रहे होगे कि सुबह सुबह, क्योंकि ये सुबह नहीं बची क्योंकि अब टाइम दिखाती हूँ, रुको, 11:36 हो चुके हैं और मेरे को लगे बहुत ज्यादा भूख क्योंकि मैं इस टाइम तक खा लेती थी, मेरी मम्मी मेरे लिए खाना बना देती, तो आज बनाना पड़ेगा मेरे को और मैं बनाने जा रही हूँ चिल्ला। वैसे तो मैं रोटी बना सकती हूँ लेकिन मेरे से आटा नहीं गूंथता, आई जस्ट हेट, मेरे को आटा गूंथना बिल्कुल भी पसंद नहीं है दोस्तों। मेरे को रोटी बनाना ओके है मेरे लिए, लेकिन मेरे लिए आटा गूंथना इज सो बिग प्रॉब्लम घर में, क्योंकि मैं कभी उसको ज्यादा गीला कर देती हूँ, कभी वो ज्यादा सूखा हो जाता है, डाल लो उसमें कभी पानी डालो कभी आटा, ऐसे में ना मेरा पूरा टाइम निकल जाता है। फिर मैं चिल्ला बनाऊंगी, उसमें आटा गूंथने की जरूरत नहीं है, उसमें पानी मिलाओ और डन हो जाएगा। आज फर्स्ट टाइम मैं बनाने जा रही हूँ और ये होगा मेरे लिए टास्क क्योंकि मैंने कभी नहीं बनाया है। तो कंटिन्यू करते हैं मेरे साथ रिंकीज किचन चिल्ले बनाने के लिए। ओ आईडी में थोड़ा सा ब्रो, चलो तू इधर ही आ जा, सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये आ रहा है। तो ये देखो मैंने प्याज कट कर लिए हैं, अभी इसमें मैं डालूंगी बेसन, बेसन के बनते हैं चिल्ले साइड से। अभी मैं बेसन कितना डालूंगी ये तो मेरे को पता नहीं, अभी इसमें पानी भी डलता है कि नहीं ये भी नहीं मेरे को पता। सीरियसली आज तो मेरे ने टास्क ले रखा चिल्ला बनाने का। पानी तो डलता होगा ना, डलता देख लो पानी डलता है या तेल डलता है, अच्छी सेफ नहीं हूँ मैं, मेरे को देखना पड़ेगा। देख लिया पानी ही डलता है, इसने तो टमाटर भी डाल रखा, अगर मैंने तो टमाटर डाल दिया मेरा तो टूट जाएगा। धनिया तो मिल सकता है हमारे घर पे, धनिया लेके आ, धनिया तो रह दिया, ये तो कह रहे हैं अजवाइन डाल दो, अजवाइन हमारे घर पे है लेकिन दिखती कैसी है, साइड से गोल गोल दिखती, अजवाइन डालूंगी और मेरे को ये लग रहा है कि मैं अजवाइन की जगह कुछ और डाल दूंगी तो काम खत्म होएगा। तो नमक मिर्च प्याज और बेसन वाला सिंपल चिल्ला बनाएंगे, बना के दिखाती हूँ कैसा बना मेरा। अब देखना तुम, अब देखो ना तुम, अब देखो ना मैं कितना अच्छा चिल्ला बना, ये देखो। तो ये तो डिसाइड हो गया कि मैं कभी भूखे नहीं मरूंगी अगर घर पे मेरे, यस ये देखो दोस्तों ये तो टूट गया, मैं तो टूट गया। अब मैं ले आई हूँ ब्रेड का पैकेट, ब्रेकफास्ट बना के खाएंगे, लेकिन हो गई आफ्टरनून। दादा का फोन आए, दादा और दोपहर का खाने की तैयारी करने लग रहे हैं और हम अब सुबह के खाने की तैयारी हमारी हुई है, ठीक है कोई दिक्कत को नहीं, खा तो उसने पहले ही नूकरा, मस्त है दोस्तों। तो फाइनली दो 18-19 दिनों बाद नानी आ रही है घर, मम्मी देखो जवान जवान लग रही है। अच्छा मिलवाते नानी प्रियंका तो रोन पानी आ रहा था, क्यों विल मिस नानी जी, नानी बैक। ऐसे स्नैपचैट पे स्टोरी डालते हैं बहुत सारे लोग। तो जैसे कि आपने देखा आज मेरी नानी आ गई है वापस, और आज का अभी तक चैलेंज डिसाइड नहीं हुआ कि मैं क्या क्या ही चैलेंज करूंगी, और डुगू के साथ मेरा थोड़ा सा झगड़ा हो रहा है, सुबह ही मैंने इससे पंगे लिए थे तो पता नहीं कहाँ है। निक्की के बनावा है, ओह आज तो घर पे सब्जी बनेगी निक्की के द्वारा रात में, निक्की स्पाइसी बनाई बहुत ज्यादा तीखी, स्पाइसी चैलेंज मिला आज गोलू ने, दिखाऊं सुनाऊं, आज स्पाइसी चैलेंज मिला गोलू ने अपने तो सबसे दिया है इंक्लूडेड मॉम एंड निक्की, तू आओगा जब कर स्पाइसी फूड चैलेंज कर ले या फिर देखा या फिर मेरा या फिर मैं मिर्च खुआवा है, पाँच छह सात तू खा ले मिर्च, क्यों खा ले स्पाइसी फूड चैलेंज करेंगे, चलो मिर्च ज्यादा मिर्ची वाला खा आज, अपनी जो दादा खाए कर लाल मिर्च उसकी कसम है तमने सबने, दादा खाए करदा नहीं दादा तगड़ी वाली लाल मिर्च उसकी कसम है, हम तो तेरा बना देंगे, दिमाग नहीं खराब करे कर काम का टाइम पे, ठीक से दिमाग के खराब काम आवतने दो, 17 दिन का चैलेंज, 17 में तो 2 दिन तो लिख गई, एक मेरा तखा तिखा बनाइए दिमाग, बचने के लिए है तो ये अंगूर जो है, इतने सारे पापड़ ये है स्पाइसी, इनका चैलेंज करते हैं, लेकिन ये तो थोड़ी स्पाइसी है मम्मी, पता है अगर मेरे को कुछ
चैलेंज मिल जाता है ना तो दिल पे लग जाता है, करना है तो करना है, चैलेंज मना नहीं करूंगी मैं। चैलेंज नहीं है मेरा, जो मैं खुद लेती हूँ। तू बोल के क्या रोटी में दो चम्मच बरका है, भुट्टे बरका है, एक रोटी में नून मिर्च गए, स्पाइसी बनाइए नू करिए, जो दाई नहीं बनाई करती नून मिर्च के परांठे बनाते बना करेंगे, परीक्षा भी नहीं करिए मेरे पे खाए गुंजा हुआ, मतलब रोना मजा आता है। फिर इस तरह क्या होगा, इस तरह एक चीज मेरी इम्प्रूव हुआ है, इस तरह मेरी इम्प्रूव है स्पाइसी चीज खाने का। अचार तो मिर्च का अलग का खाती को नहीं, गाजर का अचार मिर्च बिना। सारे स्पाइसी चैलेंज देते मेरे को सारे के सारे। एक मम्मी है जो मेरे तक मीठा चैलेंज देती है टॉफी का, तो मेरे को इम्प्रूवमेंट करनी है अपनी मिर्च। मेरे को सही में तिक्खा अच्छा लगता है लेकिन मिर्च खाया नहीं जाता, और मैं ऐसे ट्राई करूंगी ना तो एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं बहुत ज्यादा तिक्खा खा सकूंगी और मेरे को फर्क ही नहीं पड़ेगा भाई। अबे तो यूं है हां, अपनी ओढ़ नहीं ओढ़ मारना चाहवा है कि तिक्खा तो चैलेंज है तेरा, तिक्खा है जी, फिर मारने का थोड़ी है, तिक्खा चैलेंज है तब तो खत्म कर दियो मैंने फिर जोर ले ले। मैं तो साइड में गुड़दा रंगना और यूर नुका तिक्खा और ले दे, पर देखते हैं खाके थोड़ी है निकी है तो थोड़ी है दोस्तों, मारना कौन सा दी तुमने, रात के पत्ते में जो आऊंगी पीछे से हॉर्न की आवाज आ रही है, देख के आती हूँ। फेक हॉर्न था दोस्तों, मैं अभी देख के आई, फेक है इग्नोर। स्पाइसी तो है पर है टेस्टी, सब मजा सा हुआ है। तुम भी खा लो दोस्तों स्पाइसी खाना, बाजरे की रोटी विद गोभी, स्पाइसी रोटी विद आलू। ओहो जो भी हो, लेकिन मेरे अंदर एपिसिटी तो बढ़ गया चरचरा खाने की, इतना मिर्च डाल रखी है देखना। पानी पीना पड़ेगा दोस्तों, पानी पीना काम नहीं चलेगा। जिसने मेरे को ये चैलेंज दिया ना उसको भी एक बार मिर्ची खिलवाऊंगी, आएगा जब बोलू नहीं दिया। इसमें क्या मजा आता, नुगा कम डली है, लाल रोटी बना रही है नुगा, अगली बार से दो चम्मच पूरी ठोक के होना ही आएगा। पर जल्दी जल्दी खा के खत्म कर देती हूँ पानी। मैं कह रही हूँ एक रोटी खा के मेरा पेट भर गया, इतनी स्पाइसी थी क्योंकि मैंने साथ में पानी पी लिया ना, लेकिन मतलब था मैंने सीत भी पी लिया ऊपर से और पानी भी पी लिया और पेट तो भर गया मेरा डबल। तो ठीक है दोस्तों, करते हैं इस ब्लॉग को ये पैड, ये चैलेंज भी मेरा कंप्लीट हो चुका है। आंखों में आंसू तो देखो सबके आते हैं तिक्का खाने के बाद, ठीक है। बात ये थी कि नहीं खाने की, मैंने 100% पूरी रोटी खाई है पूरी, एक इतना सा तिनका भी नहीं छोड़। और करते इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और कल वाला टास्क बता दो दोस्तों। तो करते इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड टाटा।